नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम बात करने जा रहे हैं पैराफाइमोसिस के बारे में। पैराफाइमोसिस क्या होता है, पैराफाइमोसिस किस वजह से होता है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, क्या भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में, क्या गलत फहमियाँ हैं इसके बारे में, और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं पैराफाइमोसिस। तो पैराफाइमोसिस एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस मतलब कि जो हमारा जो पीनिस है उसके आगे का जो स्किन होता है, फोर स्किन होता है, वो जब टाइट हो जाता है और पीछे नहीं जाता तो उसको फाइमोसिस कहते हैं। कुछ लोगों में जो फाइमोसिस होती है वो ज़्यादा नहीं होती और उसमें आगे की तरफ जो है रिंग होता है, प्रीप्यूशियल रिंग कहा जाता है इस चीज़ को। और जो प्रीप्यूशियल रिंग की वजह से जब पीनस के जो ग्लांस हेड जो होता है उससे हम जब उसको पीछे करते हैं त्वचा को, तो वो एक कॉन्स्ट्रक्शन कर देती है और इस तरह से जैसे ये यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक रिंग बन जाता है और ये इसको धीरे धीरे कसता चला जाता है। और जब ऐसा हो जाए कि आपने स्किन को पीछे किया, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है एक्सेसिव मास्टर्बेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई सेक्शुअल एक्टिविटी है जिसमें कि योर पार्टनर डज नॉट नो कि किस तरह से करना है, या फिर हो सकता है कि पहली बार आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, पहली बार आपने पहले कभी किया नहीं और नई नई शादी हुई है और तब आपने ऐसा किया। तो ऐसे में हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जिनको कि ये जो रिंग होती है ये पीछे चली जाती है। और जब ये रिंग पीछे चली जाती है, जो प्रीप्यूशियल स्किन एक रिंग की तरह, एक तरह से जैसे समझ लीजिए कि अंगूठी की तरह जो है, आपने जैसे अंगूठी पहनी और वो जगड़ लेती है, अगर आपकी उंगलियां थोड़ी टाइट हो जाएं या फिर आप सो जाएं या कभी कभी उंगलियां सूज जाती हैं, तो इस तरह से जो हमारा पीनिस का आगे का हिस्सा है जिसको कि ग्लांस पीनिस या हेड कहा जाता है, वो सूजने लगता है, उसमें दर्द होने लगता है और ये रिंग धीरे धीरे जो है वहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन कर देती है। तो पैराफाइमोसिस जो है, फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस में ये डिफरेंस है कि पैराफाइमोसिस जो है जिसमें कि ये आपकी ये जो त्वचा है पीछे चली गई है, ये एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी है। ये किसी भी दवा से, कुछ पेशेंट कहते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने बताया या उनके किसी डॉक्टर फ्रेंड ने बताया कि आप सेफ्लॉक्स खा लो या फिर आप कोई और दवा ले लो और इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस जिसमें इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है। फाइमोसिस में भी हम स्टीरॉयड क्रीम्स भी कभी कभी देते हैं, वैसे देना नहीं चाहिए, दूसरी क्रीम देते हैं वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो पैराफाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस जो है ये बहुत गौर करने वाली बात है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो घबरा जाते हैं और वो गूगल पे बहुत सारे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने में ही कभी एक दो दिन लग जाते हैं। और ऐसे केसेस में कभी कभी हम अपने पीनिस का जो आगे का हेड होता है वो पूरा काला भी पड़ सकता है और उससे आपको हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो ये डराने वाली बात नहीं है, ये रादर साइंटिफिकली प्रूवन है कि पैराफाइमोसिस की जो प्रॉब्लम है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें विलंब इसलिए होता है, कुछ लोग जो हैं जैसे बच्चे पहली बार अगर वो मैस्टरबेट कर रहे हैं या पहला सेक्सुअल एक्टिविटी है, उनको डर होता है कि भाई ऐसा ना हो कि हम कैसे बताएं, शर्मिंदगी होती है तो नहीं बता पाते, वो हमारे पास नहीं आ पाते। पैराफाइमोसिस को हम शुरुआत में जो होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए जो होता है उसमें हम ब्लॉक देते हैं और उसको रिड्यूस कराता है मैनुअली। अगर मैनुअली रिड्यूस ना हो तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो डॉर्सल स्लिट हो, डॉर्सल स्लिट में क्या होता है कि स्किन को काटा जाता है और उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। डॉर्सल स्लिट ज़्यादातर हम बूढ़े लोगों में करते हैं कि जिनमें कि फाइमोसिस की प्रॉब्लम थी और फिर पैराफाइमोसिस हुआ, क्योंकि डॉर्सल स्लिट के बाद जो ग्लांस का जो लुक होता है वो बहुत ही ख़राब लगता है। और 99% केसेस में डॉर्सल स्लिट होने के बाद भी पेशेंट्स कहते हैं कि हमें सर्कमसीजन कराना है। अगर पैराफाइमोसिस एक बार हो जाता है और वो रिड्यूस हो जाए, अगर दूसरी बार आपको हो रहा है या रादर पहली बार में भी, आइडियल जो ट्रीटमेंट है वो क्या है इसका? आइडियल ट्रीटमेंट है कि हम इसका सर्कमसीजन करें। सर्कमसीजन करने से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, जो रिंग बना है या तो भाई फाइमोसिस नहीं होती और वो कॉन्स्ट्रक्शन रिंग नहीं होता तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई है। इसका मतलब है कि जो एनाटॉमी है वो इस तरह की हो गई है कि वहाँ पे वो रिंग बनेगा। ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें आप प्रोटेक्शन अगर यूज़ नहीं करते तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले कि द इरेक्शन इज़ पेनफुल,
पेनफुल इरेक्शन होता है, दूसरा है कि इरेक्शन कैन नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ द पेन ऑल्सो, कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे की तरफ जो है किसी ने पेनिस को जकड़ रखा है और इसलिए वो इरेक्शन नहीं हो पाता, तीसरा है कि इसकी वजह से आपके सेंसेशंस जो होते हैं हाइपर सेंसिटिव हो जाता है पेनिस, और उस वजह से जो है इवन डर लगता है कि अगर इरेक्शन हुए तो क्या होगा मेरे साथ, तो और इसके अलावा अगर ये निग्लेक्ट हो जाए तो आप यू कैन लूज योर पेनिस ऑल्सो, यू कैन हैव स्कारिंग, स्कारिंग हो जाती है और देन द एंटायर जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जो जो सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लेजर है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है। जो जिनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको प्रीप्यूशियल रिंग है और टाइट है और पैराफाइमोसिस तक की नौबत नहीं आई है, पैराफाइमोसिस है तो फिर तो सर्कमसीजन करना पड़ता है और वही बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका। डॉर्सल स्लिट जो होता है उससे यंग पेशेंट्स में बहुत ही अनसाइटी होता है और इवन योर पार्टनर कैन फील कि ये दे कैन बी एक्चुअली डीमोटिवेटेड बाय सीइंग योर पेनिस, सो इट लुक्स लाइक दैट। सो डॉर्सल स्लिट इज डन इन पेशेंट्स हु आर मोर देन 60 इयर्स। इन अ यंगर पेशेंट पैराफाइमोसिस बीइंग अ मेडिकल इमरजेंसी नीड्स टू बी रिड्यूस एंड अ सर्कमसीजन नीड्स टू बी डन। एंड अगर आपको प्रीप्यूशियल रिंग की प्रॉब्लम है कि आपका जो पेनिस है उसका जो आगे की त्वचा है वो पीछे पूरी नहीं जा रही है, और प्रॉब्लम ज़्यादा तब होती है जब आप इरेक्शन में होते हो, कुछ लोग होते हैं जिनका कि नॉर्मल जो वो पीछे चला जाता है लेकिन इरेक्शन के टाइम पे पीछे नहीं आता, तो उसको टाइट प्रीप्यूशियल रिंग बोला जाता है। ऐसे केसेस में पार्शियल सर्कमसीजन जो कि स्टेपलर सर्कमसीजन है वो हम करते हैं अपने सेंटर पे, एंड वी आर ओपन ऑन ऑल डेज। कोई भी इमरजेंसी है हम हमेशा तत्पर हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप इसके बारे में चर्चा करिए, ज़रूरी है चर्चा करना, मिलना, बात करना, बात को समझना और फिर एक निर्णय लेना, बजाय इसके कि ये बताना है कि ये ट्रीटमेंट गलत है या ये ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो भ्रांतियों में नहीं पड़ना है हमें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही निर्णय लेना है। हम लोग सही निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि आजकल डॉक्टर के अलावा सारे लोग डॉक्टर हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम सही बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब जो हैं ठीक नहीं बोल रहे। कोई भी सर्जरी अगर करी जाती है तो उसके पीछे कारण होता है। अननेसेसरी सर्जरी कोई नहीं चाहेगा करना। कोई भी सर्जन जो होगा वो जो सर्जरी होती है वो अर्न करी जाती है। अगर पेशेंट तैयार होता है, अगर पेशेंट कहता है और मेडिकल प्रॉब्लम, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो इट हैज़ टू बी डन। तो इन सब के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।